भारत की जमीन पर सत्या हथियाने के मकसद से आई अंग्रेजों के सामने न जाने कितने राजकर्ताओं ने, संस्थानों ने अपने घुटने तक टेक दिए थे। लेकिन वहीं भारतीय इतिहास में एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसने अंग्रेजों की सत्ता की गुलामी नहीं की और अंग्रेजों को घास तक नहीं डालता था, बल्कि इस राजा ने अंग्रेजों को भीख मांगने के लिए मजबूर तक कर दिया था। आपको बता दें, इस राजा का नाम श्रीमंत महाराज तुकोजीवा राम होलकर द्वितीय था, जिसने अंग्रेजों को करोड़ों रुपए का उधार देकर उनको अपना कर्जदार बनाया था। इस राजा को उस समय भारत का मध्य राजा का महाराजा कहा जाता है। अंग्रेजों के रेलवे प्रकल्प के कारण जनता को होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए महाराजा तुकोजीवा राम होलकर ने अंग्रेजों को पहले चरण के लिए 1 करोड़ रुपया उधार में दे दिया था। इस उधार की सहायता से अंग्रेजों ने इंदौर के पास के 3 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने का काम पूरा किया। महाराजा तुकोजीराम होलकर जी ने दिए हुए करोड़ों रुपए के ऋण के माध्यम से 7 वर्ष के कालखंड में अंग्रेजों ने खंडवा इंदौर, इंदौर रतलाम, अजमेर और इंदौर देवास उज्जैन 3 रेलवे लाइनों का निर्माण किया। इनमें से खंडवा इंदौर लाइन को होलकर स्टेट रेलवे नाम से संबोधित किया जाता है। महाराजा तुकोजीराम होलकर ने 101 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 4.5% की दर से ऋण की राशि अंग्रेजों को उपलब्ध करा दी। लेकिन राजा की दृष्टि यहीं तक सीमित नहीं रहती। एक तरफ कर्ज देते हुए जनता को होने वाले लाभ ध्यान में रखते हुए उन्होंने रेल मार्ग निर्माण के लिए अंग्रेजों को मुफ्त में जमीन भी दे दी। पहाड़ी इलाका होने के कारण कठोर परिश्रम से इन रास्तों पर रेल पटरियां बिछा दी गईं और मार्ग में आने वाली नर्मदा नदी पर भी बड़े पुल बांध दिए गए। इंदौर में टेस्टिंग के लिए लाया गया पहला भाप का इंजन हाथियों की मदद से खींचकर रेलवे पटरियों तक लाया गया। यह इसकी विशेषता है। यह घटना इतिहास के लिए और भारतीय रेलवे के लिए अतिशय महत्वपूर्ण घटना है। जिन अंग्रेजों के सामने न जाने कितने सारे निष्पास बांधवों को लाचार होकर हाथ जोड़ने पड़े, उन्हीं अंग्रेजों ने एक भारतीय घराने की राजा के सामने पैसों के लिए हाथ फैलाए, इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।